सामने बनाइएगा, अब आप बनाइएगा छोटे से प्लेट बना लीजिए, तो वो आप अपने हिसाब से उसको प्रचार करिएगा जैसा हो। नमस्कार प्रिय साथियों, यहाँ आप देख रहे हैं भारतीय ब्लैक कोबरा, बहुत ही खूबसूरत इसकी आवाज़ अगर आप सुनना चाहें तो देखिएगा, बहुत प्यारी सी आवाज़ भी है, बहुत खूबसूरत सा नांद है ये। अब ये तो सारी चीज़ें एक बात की हैं, आपको देखने में मिल जाता है ये सब, इसकी औषधि क्या है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये डस लेते हैं, उसके बाद में कोई विकल्प नहीं रहता है, हॉस्पिटल कई बार बहुत दूर होता है या साधन उपलब्ध नहीं होता, तो ऐसे में क्या करना चाहिए तुरंत। तुरंत के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी संबंधित जगह है उस जगह को साफ कर दें, धुल दीजिएगा। धुलने के बाद में जो एक मदार होता है, अकौड़ा जिसको कहते हैं गांव की भाषा में, अकौड़ा मदार आदि के नाम से जाना जाता है, तो वह मदार का जो दूध है या उसके जो दूध जो है वो लगा देना चाहिए, और जहाँ पे काटा हो, हाँ जहाँ पर काटा है वहाँ पर दूध लगा देना है, और उसके जो छाल है, जड़ की छाल, लगभग 5 से 10 ग्राम अवस्था के अनुसार, जैसे युवा हमारे जैसा कोई है तो 10 ग्राम की मात्रा में उसको पीस कर और पिला देना है, तो इससे बहुत अच्छी रोकथाम होगी। यहाँ तक कि यही मुख्य औषधि है, इससे प्राण भी बचेंगे, लेकिन सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से मैं ये भी कहूँगा, चूँकि मैं नेचुरोपैथ चिकित्सक हूँ, कि हॉस्पिटल भी अवश्य लेकर जाएं, कि मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर कोई संदेह बचा है तो वो कवर हो सके, लेकिन उम्मीद है कि डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये बहुत उत्तम औषधि है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।